एक पिता दे वल्लों ही अपने 1.5 साल के मासूम पुत नूं गोली मारन दा मामला सामने आया। फिलहाल कारणां दा हले पता नहीं चल सकिया कि आखिर इस प्यो दे वल्लों अपने पुत नूं गोली क्यों मारी गई है। तां दस दईए कि पुत दी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है ते उस नूं इलाज दे लई हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया, पर अपने आप दे विच वड्डे सवाल खड़े जरूर हुंदे ने क्योंकि बड़ी दुआवां मंग के पुत हासिल हुंदे ने, पर हुण पिता ही जल्लाद बने हैं जिसने अपने पुत नूं ही गोली मार दिती। गनीमत रही है कि गोली जो है बच्चे दी बांह दे विच वज्जी है, हालांकि फिर भी उस नूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक दसी जा रही है। तो मामला गोहाना तो सामने आया जिते कि एक पिता दे वल्लों अपने 1.5 साल के मासूम पुत नूं गोली मारी गई है। फिलहाल मौके पर जदों पुलिस पहुंची है परिवारक मैंबरों तो पुछगिछ की गई है कि आखिर क्यों इस पिता दे वल्लों अपने पुत नूं गोली मारी है। तो परिवारक मैंबरों दे वल्लों भी हले कोई भी स्पष्ट बयान पुलिस नूं नहीं दिता गया, जबकि पिता घर तो फरार दस्या जा रहा। फिलहाल पुलिस दे वल्लों लगातार वख-वख टीमां बना के पिता की भाल दे विच छापेमारी की जा रही है। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर 1.5 साल के मासूम बच्चे ने अजिहा की कर दिता कि मजबूर होकर पिता नूं ही गोली मारनी पई है, एक पिता नूं ही जल्लाद बनना पिया। तो गोहाना तो यह मामला सामने आया जिथे कि एक पिता दे वल्लों अपने 1.5 साल के मासूम पुत नूं गोली मार दिती है। गांव में एक 1.5 वर्ष के युवक गोली लगी है, क्या कहना चाहिए? कल रात हमें हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्चा फायर इंजन से घायल होकर विजय खानपुर आया। उसी सूचना पाकर हम हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे 1.5 साल का बच्चा इंजर्ड था जिसकी राइट साइड में शोल्डर के पास बाजू में वो गोली लगी हुई थी। और उसके बाद हम गांव में गए, गांव लाट से संबंधित पाया गया हूँ जिसमें उसका पिता, लड़के का पिता है, वो घर से फरार मिला और इलीगल आर्म्स और 307 के तहत हमने उस पर FIR दर्ज कर दिए। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी हम पकड़ें। कुछ कारण का पता लगा सर? कारण का अभी कुछ पता नहीं चला है, उनके परिजन कोई कारण ठोस बता नहीं रहे हैं। वो अजय जो आरोपी है उसके पकड़ने के बाद ही इसमें ठोस कारण का पता चल पाएगा जिसके हम बढ़ सकते हैं। उस बच्चे का पिता ही है? हाँ, उस बच्चे का पिता ही है जिसके खिलाफ हमने FIR दर्ज की है। बेटे की कंडीशन कैसी है? वो खतरे से बाहर है फिलहाल तो, और उसका इलाज चल रहा है। वहाँ से सबूत वगैरह भी जुटे हैं? वहाँ हमने अपनी फोरेंसिक टीम को भी बुलाया था रात को ही, और वहाँ से जो भी फोरेंसिक टीम की डायरेक्शन पे जो भी वहाँ से हमने जो चीज़ें हमें कार्रवाई पुलिस में चाहिए थी वो हमने वहाँ से कलेक्ट की। कोई वेपन वगैरह मिले? नहीं, वेपन वहाँ नहीं मिला है कोई भी वेपन।